बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से ही बिहार चुनाव पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे से लेकर आगे की रणनीति को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवाज पर कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने बैठक में बिहार चुनाव की रणनीतियों का खाका तैयार किया है। हमारे लिए भी एक सीखने का अवसर है। शांति शांति। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा निर्वाह करेंगे। वहाँ का जो हमारा यूनिट है, संजय जी हमारे अध्यक्ष है, भूपेंद्र जी प्रभारी है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्किंग वहाँ पर किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई बहुत वहाँ तकलीफ नहीं है। और हम सब लोग मिलकर, जैसा भूपेंद्र जी ने अभी बताया कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है, और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व राज्य में नीतीश जी ही करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे तरीके से चुनकर आएंगे। बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। अब पिछले कुछ दिनों से लेजपा के तेवर को देखकर लग रहा था कि एनडीए में कुछ बदल सकता है, लेकिन बैठक में साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि जीतन राम मांझी की पार्टी भी जेडीयू को समर्थन दे रही है। गौरतलब है 1 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन से घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।